हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्रासूद अमृतक। हमारे चैनल में आपको स्वागत है वंस अगेन। आज का ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अभी लास्ट हमने प्रगति मैदान में शूट किया था, ये हम ग्रेटर नोएडा में करने वाले नॉलेज पार्क 2 में। ये थोड़ा अलग डिफरेंट डेस्टिनी का है। आइए जानते हैं कैसे, क्या प्रोसीजर है, क्यों रखा गया है, क्या वजह है, सब चीज़ आज जानने वाले। आइए सबसे पहले हम एज़ यूजली करते हैं, ये पेड नहीं है, ये फ्री है, ऑफ कॉस्ट है। हम मेल आईडी पर रजिस्टर्ड करते हैं और उसे क्यूआर स्कैन करके ऐसे करने के बाद वहाँ से अपना विजिटिंग कार्ड ले सकते हैं। हम लोग पहले ऑलरेडी ले चुके हैं। चलिए अब एंट्री ले लेते हैं। आइए, तो फाइनली हम लोग एंट्री ले चुके हैं। अब हम यहाँ करने क्या वाले हैं, मोटिव क्या है, वो सब समझ लीजिए। 15 एडिशन ऑफ एग्जीबिशन है, जिसमें लार्जेस्ट, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एग्जीबिशन लगता है, इलेक्ट्रिक के लिए, ऑटोमेशन के लिए, सोलर पैनल्स के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए, इन सब के लिए लगता है। यहाँ जो मोटिव है, आप यहाँ आइए, लर्निंग करिए कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिकल पैनल्स कनेक्ट होते हैं, अलाइड इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके डाटा केबल, पावर कोर्ड वगैरह, जो हमें आपस में कनेक्ट करते हैं, कैसे सप्लाई हो रही है, उन सप्लाई का क्या रीज़न है, क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्या मेजर्स हैं और क्या क्या मटेरियल्स यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में सब चीज़ है। अब उसके बाद यह आता है कि इसमें कौन इसे एसोसिएट करवाता है। जैसे हर एक इंडस्ट्री के अलग अलग एसोसिएशंस होते हैं, जैसे कि आपको ऑटो पार्ट्स में था ACM है, ऑटो पार्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ऐसे ही सेम इलेक्ट्रिकल पैनल्स के लिए, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के लिए अलग एसोसिएशन है, IEEC, इंडियन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। तो बेसिकली हमें कंसेप्ट समझ लेते हैं यहाँ क्या क्या होने वाला है। यहाँ पर MCB के आने वाले हैं, कनेक्टर्स आने वाले हैं, ई रिक्शेज में जो आपके कनेक्टर बनने वाले होते हैं, जो ट्रांसफार्मर के कनेक्टर्स होते हैं, हर तरह की मोबिलिटी का, डिजिटल के लिए या ऑटोमेशन के जितने भी कनेक्टर्स होते हैं, MCB होते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो जिन भी मटेरियल से बनती हैं, उन सब के बारे में कुछ मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल क्या क्या है, आपको पूरे वीडियो समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, डिफरेंट MCB होता है आपके, बहुत सारे। वैसे एक वायर ग्लैंड होता है जो वायर को कनेक्ट करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, या फिर एक कनेक्टर से दूसरे कनेक्टर जो कनेक्ट करना होता है, वायर ग्लैंड मेजर रोल प्ले करता है। कौन बनाते हैं, क्या मटेरियल यूज होता है, उसके बारे में आपको बताते हैं, ये मिलते हैं। तो फाइनली हम सबसे मिलते हैं, ये क्या रोल प्ले करता है इनका हम जानते हैं, और कैसे इतना इंपॉर्टेंस क्यों है ई लाइन में। बेसिकली सर, आप मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, तो बेसिकली आप लोग क्या बनाते हैं, वायर की सेफ्टी के लिए क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने ग्लैंड बनाया, आपने वायर के अंदर ग्लैंड लगा, पैनल के अंदर वायर लगी, तो एक कौन से वायर को टाइट कर देगी, तो इससे क्या होगा कि वायर के साथ में पानी और डस्ट जो पैनल के अंदर जाकर पैनल को खराब ना करे, उसकी सेफ्टी प्रोडक्ट के लिए प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली इसको वायर ग्लैंड बोलते हैं, और इसमें हम लोग नायलॉन यूज़ करते हैं, और नायलॉन यूज़ करते हैं जाके वायर को कनेक्ट करता है दूसरे ट्रांसफार्मर के लिए, या फिर दूसरे ट्रांसमिशन की चीज़ होती है बेसिकली। और सेम ये भी ऐसे होता है, इसका भी ये काम है, ये वायर के इसके अंदर से वायर निकलती है ताकि वायर की हीट प्रोड्यूस होती है। ओके ओके, इसी तरह से ये भी हम बनाते हैं पॉलीमर पाइप। यस, ये पूरा ग्रेड होता है, इसको भी हम बनाते हैं, ये भी हमारा जो वायर की सेफ्टी के लिए होता है, जब इसके अंदर से वायर निकल जाएगी तो वायर को चूहा या कोई किसी प्रकार का कोई कुतर ना दे, हाँ कुछ वेस्ट ना हो जाए, इसलिए आप बहुत सेफ्टी के साथ पूरे काम करते हैं। हाँ, वायर का शिफ्ट। तो बेसिकली आप लोग सप्लाई किधर करते हो, पैन इंडिया है, पैन इंडिया में एक्सपोर्ट में हम श्रीलंका और दुबई करते हैं। यहाँ पर एग्जीबिटर आते हैं जो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है उनकी, वो दिखाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर और भी लोग होते हैं, जैसे कि आपके पैकेजिंग पर्पज़ के लिए इनकी पैकेजिंग भी होती है, जितनी भी गैजेट्स होती हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यहाँ डायरेक्टरी सेल होती है, डायरेक्टरी में आपको पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉल कहाँ लगा हुआ है, किसे लगा हुआ है, वहाँ पर अप्रोच कर सकते हो, किसी की बात कर सकते हो कंपनी में डायरेक्टली, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सब जगह विजिट कर लो, क्योंकि 15-16 हॉल हैं, इम्पॉसिबल करना, कर भी ले तो याद नहीं रहता, बट डायरेक्टरी खरीदो, बात करो, बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो वहाँ से, आप वहाँ से अप्रोच भी कर सकते हो, या कुछ रिक्वायरमेंट आप कुछ खरीदना हो हम वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो सारा सिस्टमेटिक चीज़ें, कुछ भी यहाँ आप छूट ही नहीं सकते। यहाँ होने वाली कौन कौन सी चीज़ें वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, जितने भी मटेरियल, रॉ मटेरियल जो यूज़ होने वाले,
पहले आपका पीपीटी होने वाला है, पीसी होने वाला है, नायलॉन होने वाला है, आपका ये सब एफआर मटेरियल्स होते हैं। एफआर मटेरियल में आपका जहाँ पे आग नहीं लग सकती, अगर आग लगती बुझ जाएगी, ये सब प्रॉपर्टी उसके अंदर डाले जाते हैं। इसीलिए सारी चीज़ें महंगी हैं। जितनी भी ईवी बन रही हैं या फिर जितने भी इलेक्ट्रिकल पैनल्स बनते हैं, आपके एमसीबी हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, वायर ग्लैंड्स हो गए, ये सारे एफआरस होते हैं जिससे आपको जले ना जले तो कोई ज़्यादा डिजास्टर ना हो। ये सब चीज़ें सिस्टमेटिक बहुत प्रोटोकॉल के साथ अप्रूवल के साथ सारी चीज़ें की जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके साथ यहाँ रॉ मटेरियल वाले भी कुछ होते हैं जो क्या उसमें सजेस्ट कर सकते हैं या फिर आप रिक्वायरमेंट है आपका या फिर आप बनाना चाहते हैं उन सब के लिए होता है। वहाँ से कुछ फेमस कंपनी है जैसे आपकी कैलको, कैलको वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कंपनी यूनिट के लिए जो पीवीटी वगैरह एफआर वगैरह ये सब बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि प्रोसेस पैनल देखो, दिस इज प्रोसेस पैनल। ये पूरे कंट्रोल करने की चीज़ें होती है जहाँ पे जितने भी ट्रांसफार्मर वगैरह जितने भी गैजेट्स बन रहे हैं सबसे भी कंट्रोल पैनल को यूज़ किया है। ये इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आई। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके फॉरेन की कंपनियाँ भी हैं जो यहाँ पर स्टॉल्स लगाती हैं। कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो बाहर की होती है, जापान की, चाइना की, तो यहाँ स्टेबल होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करती है और इंडिया में सप्लाई करती है। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, इस बार आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी गैजेट्स हैं वो दिखाएंगे कि रियल में है क्या और क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या क्या मटेरियल उसमें यूज़ होते हैं, हमें कैसे प्लास्टिक उसका रिप्लेसमेंट बना रहा है, मेटल का कहाँ कहाँ रोल प्ले कर रहा है और हमें पता ही नहीं कि ये प्रोडक्ट प्लास्टिक के भी बनते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ जितने भी चीज़ें हैं आपके यहाँ जो भी आप घर में यूज़ कर रहे हो डेली, आपके घर के एमसीबी से लेकर घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं सब चीज़ का आपको यूज़ कर रहे हो, बट आपको पता ही नहीं कौन सी चीज़ें कहाँ हो रही और आपको धीरे धीरे सब बता देते हैं। अब आपको इंट्रो कराते हैं बड़ी की बड़ी कंपनियों से कैसे कैसे होता है, क्या क्या बनाते हैं। पैनासोनिक अपने फ़ोन्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए, इन सब के लिए सुना होगा, बट वो इलेक्ट्रिकल में क्या क्या बनाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको दिखाती है पैनासोनिक क्या क्या बनाती है। एमसीबी बनाती है, आइसोलेटेड बनाती है, आरसीसीबी बनाती है, क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है। बेसिकली इसमें हम नायलॉन और पीवीटी बेसिकली सबसे मेजरली यूज़ करते हैं। इसमें एफआर होता है, ग्लास फील्ड भी होता है, तो इतना 10 सेकंड के अंदर अगर जल्दी भी है तो बुझ जाती है। अब आपको दिखाते हैं कैसे बनती है। एम सी बी हो गया आपको, इसको हम बोर्ड बोलते हैं और ये हमारे पीपीटी और नायलॉन ग्लास फील्ड एफआर से मिलकर बनती है। उसके बाद हमारा आता है ये बोर्ड जो डेली घर में सबके घरों में लगा होता है और ये हमारा पॉलीकार्बोनेट से बनता है। दिस इज कम्प्लीटली एफआर एफआर हो सकता है, बट लोकल मार्केट में क्या करते हैं इसे एबीएस से बना के रिप्लेस कर देते हैं या फिर एबीएस एफआर बना देते हैं, तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए। जान का खतरा भी हो सकता है, बट ऑन द रूल बोर्ड से हमें अप्रूव है कि पॉलीकार्बोनेट से बना है जो एफआर प्रॉपर्टी को कंसिस्ट करता है, विद इन 10 सेकंड के अंदर बुझ जाए अगर आप भी पकड़ता है। तो अभी आपने देखा बोर्ड कैसे यूज़ करते हैं और बोर्ड में क्या मटेरियल यूज़ होता है। अब हम जानते हैं एक्सटेंशन बोर्ड जो घर में डेली हम यूज़ करते हैं उसके अंदर हम पॉलीकार्बोनेट यूज़ करते हैं एफआर के लिए, बट इन लोकल मार्केट में हम लोग एबीएस भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो सेकंड ग्रेड का मटेरियल यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि लाइफ का खतरा होता है। अब जानते हैं आपको कैसे क्या होता है। ऑलमोस्ट पूरे प्लास्टिक का पीसी पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, दिस इज कम्प्लीटली एफआर। और हम लोग कभी कभी एलाइड भी होते हैं, ये हमारा पीवीटी 20% ग्लास फील्ड या फिर नायलॉन से मिलकर बनता है जो कम्प्लीटली एफआर होता है। अब आपको बताते हैं, आपने बोर्ड वगैरह पढ़ लिया, अब हम बताते हैं पावर क्यूब क्या होता है जो मल्टीपल चार्जेस के लिए होते हैं। देखो सेक्शन से सारे के सारे इसमें ये बटन दबा के इंडिकेटर से आपको पता चल जाएगा ऑन है कि ऑफ है, और डायरेक्ट इसे कनेक्ट करो और उसमें अपना फोन चार्ज करो या इसी टाइप के लिए यू टाइप में कुछ भी करना सब कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह से। बेसिकली कंसेप्ट समझते हैं कि प्लास्टिक का ईवी में और हमारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में काम कहाँ हो रहा है, और ट्रांसफार्मर या जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, आपके कंट्रोल पैनल हो गए या फिर आपके जितने भी डिजिटल चार्जर क्यूब्स आ रहे हैं या फिर चार्जर आपके पैनल्स हैं, कहाँ का प्लास्टिक यूज़ होती है। बेसिकली उनके पार्ट्स में यूज़ होती है, पूरा प्लास्टिक से नहीं बनता। कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं जो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, जहाँ मेटल को रिप्लेस कर सकते हैं वहाँ हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कंट्रोल पैनल्स के अंदर इंटरनल पार्ट्स होते हैं, वो सारे प्लास्टिक के बने हुए होते हैं मोस्ट ऑफ कंट्रोल पैनल। चार्जिंग सेक्शन में कहाँ पर रोल प्ले करती है प्लास्टिक में, अपनी जितनी भी ईवी आ रही है
इलेक्ट्रिक व्हीकल ये भी आपका प्लास्टिक शेल पर बना हुआ है जहाँ जो सेक्शन होते हैं जो मेल फीमेल पार्ट को कनेक्ट करके चार्जिंग करता है। जैसे आप देख सकते हैं सारे भी चार्ज ही हो रहा है अभी। बेसिकली यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, मेटल का तो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा है। हमने आपको वो चीज़ें दिखाई हैं जहाँ प्लास्टिक का रोल प्ले करता है, जहाँ प्लास्टिक हो सकती है, क्योंकि बेसिकली हम प्लास्टिक से हमें सिर्फ प्लास्टिक के बारे में पता, ज़्यादा कुछ डिटेल बतानी है तो गलत बताना ठीक नहीं है। बस एक थोड़ा सा शॉर्ट्स देख लो कि ये भी सब चीज़ें होती हैं। आपने देखा कैसे प्रोडक्ट यूज़ करते कहाँ का होते हैं, वायर एंड केबल का थोड़ा सा जान लेते हैं कैसे क्या चीज़ें। अब जैसे जैसे 5G आ रहा, 4G आया, 3G आया, 2G आया, जैसे 5G भी आया, इनके जो ट्रांसमिशन होता है या फिर कोई भी चैनल ट्रांसमिट हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, जो भी बीच में मीडिएटर जो गैजेट जो भी लगता है, वो ऑलमोस्ट सारा प्लास्टिक का बना होता है जो इन्हें पूरा ट्रांसमिट करता है और मैनिपुलेट करता है अपने अकॉर्डिंग सिस्टम को कैसे काम है। कौन कौन सी प्लास्टिक होती है और कैसे कैसे प्रोडक्ट होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपने कभी नोटिस ना किया। ऑलमोस्ट सब चीज़ों के लिए है। उसके बाद ये देखो सारे ऑटोमोटिव के फैंस वगैरह हैं और ये छोटे मोटे आप देखा ही होगा अपने पीसी के पीछे या अपने सीपीयू के पीछे लगा होता है, नायलॉन से और ABS से वो HR और FR वाले प्रॉपर्टी कंसिस्ट करते हैं, सब सब लोग सब चीज़ें बनाते हैं। ऑलमोस्ट आपने सारी चीज़ देखी कैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में हम कैसे भी प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं और कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसे कैसे इनोवेशन आइडिया ला रहे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली, हमने बोर्ड्स देखे, RCC भी देखे, MCC भी देखा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट SU ब्लॉग में आएंगे, कुछ नई इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री लेकर आएंगे। बेसिकली हमने क्या क्या सीखा, ऑटोमेटिव के बारे में सीखा हमने और हमने लाइट के एक्सपो के बारे में सीखा, रोबोटिक के बारे में सीखा, आज हमने इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक एजेंट्स के बारे में पढ़ा और उनकी सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनके अलग अलग सेक्शंस के बारे में पढ़ा। बेसिकली प्लास्टिक का बहुत मल्टीपल यूजेस है मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए, वैसे ही मल्टीपल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमने एसोसिएशन को सारे को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और वैसे ही हमने ऐसे इवेंट्स हम एग्जीबिट करते हैं, उसे एग्जीबिटर्स आते हैं और वैसे बिजनेस के सारी चीज़ें एनालिसिस करते हैं, उसके बाद बिजनेस डेवलप करना होता है, रिलेशन मेंटेन करने होते हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें करनी होती है या फिर नया एडेप्टेशन लाना होती है कि हाँ हमें नया इनोवेटेड करना है, इन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें शॉर्ट आउट होकर निकलती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सारी लर्निंग प्रोसेस है, प्रैक्टिकल एज वेल एज रिलेशन मेंटेन का सबसे अच्छा प्रोसेस होता है। तो ये जितने भी इवेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं सब इन्हीं सब प्रोसेस के लिए होते हैं। तो ऑलमोस्ट हम चीज़ें कवर कर चुके हैं, नेक्स्ट टाइम एक अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय।